नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में। देखिए दोस्तों, बिना भाई विश्वविद्यालय हजारीबाग के द्वारा यूजी सेमेस्टर थर्ड को लेकर एक इंपॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सारे ऑनर्स का पिछले वर्ष का क्वेश्चन पेपर से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवा दिया जाता है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने नोटिफिकेशन को डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो ये परीक्षा संबंधी आवश्यक सूचना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं तक सेमेस्टर थर्ड व्यावसायिक पाठ्यक्रम सहित जो है सत्र यानी कि सेशन 2021-24 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि निम्न प्रकार, यानी कि सेमेस्टर थर्ड का है, ठीक है। फॉर्म फिलअप को लेकर एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो इसके लिए सूचना दी गई है, और इसके लिए जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप का, उसी को लेकर एक नोटिस जारी किया गया। तो बिना दंड परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि जो है 4 तारीख से आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और इसके लिए अंतिम तिथि 16 जनवरी तक, ठीक है, यानी कि 4 जनवरी से 16 जनवरी तक है। इस बात को लेकर आप लोग ध्यान में रखेंगे, और इसके लिए अगर आप इसे विलम्ब करते हैं तो दिनांक 17/1/2023 यानी 17 जनवरी से जो है अगर आप लेट कर देते हैं तो 100 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से आपको फाइन लगेगा। ये चीज़ यहाँ पर कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि जो परीक्षार्थी सेमेस्टर 1 एवं सेमेस्टर 2 में पास या प्रमोटेड है, अगर किसी सब्जेक्ट में भी फेल हैं तो फिर भी आप लोग इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो परीक्षार्थी सेमेस्टर 1 एवं सेमेस्टर 2 में पास या प्रमोटेड, यानी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हैं या पास है, अगर फेल भी हैं तो फिर भी आप सेमेस्टर थर्ड का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ कहा गया है। तीसरा पॉइंट है कि आर्ट्स एवं साइंस कोर के परीक्षार्थी को जी में जो नया विषय लिए हैं वही भरना है, यानी कि इसके लिए आप लोगों को जो कॉलेज से पता करना होगा, आप लोग का जी पेपर में बदलाव हुआ है, ठीक है, या सिर्फ सत्र जो सेशन 2020-23 के लिए एवं 2021-24 में नामांकन कराएँ उन्हीं के लिए लागू, तो आप लोग जैनिक पेपर आप लोग अपने कॉलेज से पता कर सकते हैं, ठीक है। चौथा इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ कि जो परीक्षार्थी सेमेस्टर थर्ड की अंतिम परीक्षा में अनुपस्थित है वे परीक्षा प्रपत्र नहीं भरेंगे, यानी कि कुछ कॉलेज में शायद इंटरनल हुआ होगा, अगर नहीं हुआ है तो इंटरनल बहुत जल्द इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, अपने अपने कॉलेज से आप लोग पता कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर 5वां पॉइंट है कि स्नातक पाठ्यक्रम हेतु परीक्षा शुल्क, यानी कि जो आप लोग का जो परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया 650 रुपया, यानी कि 650 रुपया, और इसका वोकेशनल के लिए 1550, यानी कि BCA ये सब सारे वोकेशनल कोर्स हैं उनके लिए 1550 रुपया परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है। छठा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि परीक्षा प्रपत्र ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, ठीक है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है www.vbu.unib.in या www.vbu.ac.in में भरा जाएगा, ठीक है। परीक्षा फॉर्म जो है भरने से पहले निम्नलिखित दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ें, यानी कि फॉर्म भरते समय आप लोग इन बातों को ध्यान में रखेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए से लेकर के तक दिया गया। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं डिटेल के साथ। तो नए आवेदक को रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर लिंक पर क्लिक करना होगा, जिससे क्रिएट यूजर पेज खुल जाएगा, ठीक है, ये पहला है। दूसरा, इसके बाद क्या है, क्रिएट यूजर पृष्ठ के अंदर सभी जानकारियों को जो भरना अनिवार्य है, जिन्हें तारांकित द्वारा इंगित किया गया है। तीसरा यहाँ इम्पोर्टेंट बात है कि आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर नेम में यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना अनिवार्य है, ठीक है, इसे सिस्टम द्वारा सत्यापित किया जाएगा। डी में अगला स्टेप है कि जिन आवेदक के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, उन्हें नया यूजर बनाने से पहले ईमेल आईडी बनाना होगा। आवेदकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ईमेल आईडी और पासवर्ड को भविष्य के सभी पत्राचार अथवा संदर्भ के लिए सुरक्षित रखा जाए। अगला पॉइंट है कि नए यूजर के निर्माण की पुष्टि के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, पुष्टि करने के लिए उस OTP को भरेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अपने पासपोर्ट यानी पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी तैयार रखें, ठीक है। स्कैन की गई तस्वीर का आकार और हस्ताक्षर अलग अलग जो है 20 KB से 50 KB तक MGPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर जो है ब्लैक पेन से ही करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगला है कि फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें और फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप दिया है।
क्रिएट यूजर पृष्ठ को पूरा करने के बाद पृष्ठ के नीचे दिए गए साइनअप बटन पर क्लिक करेंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान के पूर्व सभी कॉलम सही तरह से भरा है कि नहीं इसकी जांच कर लें। सही बात इस आप लोग इस पर ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट का मिस्टेक हो जाता है रोल नंबर डाल में, इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला कि फाइनल सबमिशन के बाद किसी तरह का कोई संशोधन नहीं हो सकता, इसलिए आप लोग सबमिट करने से पहले यानी कि भुगतान करने से पहले आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। फॉर्म भरने के लिए किसी तरह की समस्या हो तो इसके लिए मोबाइल नंबर भी दिया हो, इससे आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये आप लोग को जारी किया गया कुछ फॉर्म भरने के लिए इंट्रोडक्शन। तो ये आप लोग का फॉर्म फिलअप का डेट जारी कर दिया गया 4 जनवरी से 16 जनवरी तक, आप लोग इस पर ध्यान में रखेंगे। तो थैंक यू गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल के माध्यम से पिछले वर्ष क्वेश्चन पेपर से लेकर सारे ऑनर्स का पेपर का आंसर क्वेश्चन करवा दिया जाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।